दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा दो हजार के बारे में और हम बात करेंगे आज फिजिक्स के पेपर के बारे में यानी कि भौतिक शास्त्र और क्लास ट्वेल्थ का जो पेपर है यहाँ पे रहने वाला है ठीक है तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख लेने हैं हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से एक बार सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ से आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए और बाद में सभी के आपको वन बाई वन सबके सोल्यूशन मिलने वाले हैं सबसे पहले हम चलते हैं खंड ए के अंदर जहाँ से आपको ऑप्शन uh, वाले क्वेश्चन मिलेंगे विकल्प वाले जहां पे आप देख पा रहे हो ऑप्शन वाले ए बी सी डी वाले न्यूनतम आवेश किसका होता है एक कुलम का या एक स्थित कुलम का एक माइक्रो कुम का या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश का ये आपके ऑप्शन है अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए देखते हैं आप में से कौन हशार बच्चा जो सबसे पहले कमेंट करता है ओके एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों सबके आंसर मिलेंगे टेंशन बदल दीजिए धातु का जो है परावैद्युताक पूछा गया कितना जो है परावैद्युताक धातु का होता है अनंत होता है शून्य या फिर एक एंड इनमें से कोई नहीं अगला देखते हैं इनका भी आंसर आप फटाफट से कमेंट करती जाइए जो भी आपको आ रहा है तीसरा क्वेश्चन है एक गोली चालक की धारिता कितनी होती है है ना तो सी बराबर वन फाइव फोर पाइव नोट आर यहाँ पे आप देख पा रहे हो सी बराबर फोर पाई एफ सेल नोट आर या फिर सी बराबर फोर फाइव सेलन नोट आर की स्क्वायर या फिर सी बराबर फोर बाई एफ सेन नोट आर की क्यूब ये आपसे पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी चार नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का जो है उसका ऐसा ही मात्र पूछा गया है तो मात्रक वाला क्वेश्चन पक्का आता है और विद्युत धारे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो ये क्वेश्चन आप पक्का पढ़ के जाइएगा तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हो नेक्स्ट है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दो गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो पक्का आपके रहने वाला है अगला देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा गया सी बाई एन या एन बाई सी या फिर सी बाई आई या फिर आई बाई सी जो है यहाँ पे आपके सोरे ऑप्शन दिए हुए सी बाई जे सॉरी है ना जूल और गुलाम के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन है दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में जो है समान होता है यहाँ पे विभांतर में होता है या विद्युत धारा में होता है और विभातर की परिभाषा भी आपको आगे देखने को मिलेगी तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा अगले ऑप्शन देख पा रहे हो विभांतर और विद्युत धारा दोनों या फिर ना विद्युत धारा या ना विभा दोनों में किसी में से नहीं अगला आठ बार क्वेश्चन जो होता है उसके प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बनने की जो है उसकी धारिता क्या रहती है आ, मतलब अपरिवर्तित रहती है यानी कुछ रखने पड़ता है घटती है शून्य हो जाती है फिर बढ़ती है यह आपको बताना है यहाँ पे आपका प्रश्न वन कंप्लीट हो चुका है अब आ चुका है प्रश्न नंबर टू जो आपका आठ मार्क्स का रहेगा ठीक है ये किस स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है तो ये भी सिंपल तरीके से आने वाले हैं जो बता रहा हूँ बस उसको पढ़ते जाइए हाँ इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो मित्र सेतु के सिद्धांत जो है किस पे कार्य करता है मीटर शुक्र का सिद्धांत किस पे कार्य करता है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये भी आप पढ़ सकते हो व्यवहार के संतुलन स्थिति इसके भी आंसर मिलेंगे वाले है ना टेंशन वेव मापे के संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है ये आपको बताना ना है थ्री म्यू एफ धारिता के तीन सधारित जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य धारिता जो है तीनों की कितनी होगी आप सभी जानते हैं इस बार जो पेपर आपका फिजिक्स से स्टार्ट होने वाला है हम बात करेंगे सारे पेपर्स के बारे में जैसे बायोलॉजी मैथ्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिए ताकि आपको सारे पेपर मिलते रहे इसकी पीडीपी डाउन करने का तरीका सिखाऊंगा नोट इंशियन किसी में प्रतिरोध बढ़ाने का जो है धारा का जो मान है वो क्या हो जाता है यह भी पूछा गया है ठीक है अगला देख पा रहे चंबू क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को जो है क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो विभव प्रणता का ऐसा मात्र क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए है ना और यहाँ पे तो आपके दो ऑप्शन भी दिए हैं कि विद्युत धारा घनत्व क्या है सदिश राशि या यादृश राशि है इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते फिर आपके क्वेश्चन आ जाते है, है। लगभग जो पैटर्न है वो आपका मेन एग्जाम से उसके रिलेटेड रहता है जैसे कि हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका आता है जोड़ी मिलाने वाला आपको इधर एक खंड दिया इधर बी खंड यानी विद्युत फ्लक्स से संबंधित है आंतरिक प्रतिरोध विद्युत विभातर बल किलोवाट घंटा विद्युत सामर्थ्य एंटन नियंत्रा चुम्बकीय आघूरण चुम्बकीय क्षेत्र ये सारे आपके ऑप्शन से रहने वाले विद हैं यानी कि आपको बताना है कि ये किससे मिलान करते हैं ओके okay, बाद में आपका रहेगा एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं जैसे कि एक आदि वर्ल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है ओम का नियम तो हंड्रेड परसेंट पूछा जाता है आवेश के क्वांटिकन से क्या तात्पर्य है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश जो है होता है और ट्विच के जितने भी नियम है उसमें से प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये किसके संरक्षण पर आधारित है ये आपको बताना है एमपीर का प्रथित नियम क्या है यानी कि जो परिभाषा वाले क्यूशन है वो सारे आपके रहेंगे और किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग की कटे कितनी होती है अगला क्वेश्चन है काल किसे कहते? इसमें आपका जो आने वाले हैं, आपके छोटे से क्वेश्चन आपकी पर रिलेटेड या फिर कोई उदाहरण रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें आपके अथवा में भी दिए जाएंगे तो आप दोनों पढ़ के जाइए दोनों में से आपको देखने को मिलने वाला एग्जाम्स के अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फटाफट से आपको आप बताइए आपकी तरह किस प्रकार से कमेंट करते जाइए कहां से हो आप है ना देखते हैं कहाँ से तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन नंबर सिक्स है विद्युत विभव को प्रभाषित कीजिए और इसका ऐसे मात्रा को विमेश उत्तर लिखिए इसी प्रकार से विद्युत हरिया का प्रभाषन आप पूछी गई है आपसे और उसका आपको ऐसा ही मात्रा को तो सबका कर याद करना है ना ये इसका एक नंबर मिलेगा आपको तो ये ऐसे ही मात्र जिसका आप कर रहे हो तो उसका विम्य सूत्र भी याद कीजिए और उसकी परिभाषा भी याद कीजिए है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है विद्युत सेल किसे कहते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको परिभाषा वाले क्वेश्चन मिलेंगे जैसे पृष्ठ है और किसी चालक के धारा को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं और यहाँ पे परा विद्युत पदार्थ क्या, क्या होते हैं और संधारित क्या होते हैं स्थिर विद्युत क्या होते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे फिक्स है ना विद्युत स्त्री ऊर्जा को प्रभाषित कीजिए व्यूमापू की सुवरहा कैसे बढ़ाई जा सकती है शंट क्या होता है है ना ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर पाए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो टू ओम प्लस चार ओम है ना ये दिए हुए हैं इसके दो प्रतिरोध क्या है पार्श्व में संयोजित है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है ये क्वेश्चन आपका आ जाता है नोमेरिकल का ना संयोजन का कुल प्रतिरोध पूछा गया आपसे तो ये आपका एक दो क्वेश्चन के आएंगे ओम के नियम को सदिश रूप में लिखना है बराबर जो आई आर होता है है ना सूखे बालों को गंगा घुमाने के बाद कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करता है ये तो हर बार पूछा जाता है साधारण रबर विद्युत रोधी होता है परंतु वायुमान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं ये भी बताया क्यों भाई ये चीज होती है है ना अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं फोर्टी नंबर क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन का एक ही क्रम है आप जैसे देख पा रहे हो एक ही पैटर्न पर जो है आधारित क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं लंबे आपको दिख नहीं रहे तो मैं बढ़कर बता देता हूँ लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको सूत्र लिखना है होता है ना और अथवा में क्वेश्चन है धारावाही उत्तर जो वर्ता का लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र आपको लिखना है तो ये सारे क्वेश्चन आपके दो नंबर के अब तीन नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जैसे अनुगमन वेग और धारा से संबंधित आपको स्थापित करना है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है किचोप के जितने भी नियम है सब नियम लिखने समझाना भी है वीव, वीव मापी जो है आपका और वर्ल्ड मीटर से कैस प्रकार श्रेष्ठ है आपको बताना है और मापी का सिद्धांत लिखना है तो जरूर पढ़िए मापी पक्का क्वेश्चन आएगा इसका क्वेश्चन नंबर सत्रह देख पर किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और अंतर प्रतिरोध के संबंध स्थापित करने आपको बायो सेकट का नियम आपको लिखना है इसके आधार पर विद्युत धारा का मात्रा प्रदर्शित करना है ए मीटर वर्ल्ट मीटर के जो है आपको कोई तीन सिद्धांत लिखने हैं चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं को कोई तीन गुण आपको लिखने हैं यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीस देख पर वन डी ग्राफ जनित्र की रचना और कार्यविधि आपको समझानी है एक समान आवेश समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है आपको ना यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बीस पर विद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता का जो है व्यंजक स्थापित किया जा सकता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीस धारंत्र है जिसमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है फोर म्यू एफ इन्हें किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है जिसकी धारिता क्या हो छ म्यू एफ हो अगला नेक्स्ट देख पाए परिभाषा आपसे पूछी गई किसी की मिट्ट की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग का वर्णन शीर्षों के आपको बताना है यानी कि आपको सबसे पहले विद्युत परिपथ बनाना है ठीक तो है विद्युत का सिद्धांत है वो आपको बताना है और आपके लास्ट में सूत्र स्थापना करनी है तो ये क्वेश्चन पक्का आता है तो ये सारे आप चीज को करना है सबका आपका डेढ़ डेढ़ नंबर का क्वेश्चन मिलता है यानी चार नंबर का टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा है ना धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम लिखिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है और हर बार आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का विद्युत फ्लक्स संबंधी गोष का नियम लिखना है और सिद्ध कीजिए और गोश्स के नियम से गुलाम का नियम ज्ञात कीजिए जितने भी वायरस क्वेश्चन बताया सब क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को, को दबा लीजिए हम बात करते हैं पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां पर आपको सारे आंसर भी मिलेंगे एक क्वेश्चन के तो वो भी आपको देख लेने हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करके आना और मेहनत के साथ जो है परिणाम आपको देना है डरना नहीं है इसमें यह ध्यान रखना है और एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूरी करनी पड़ेगी थैंक यू